लगी लगी नित्य खेलते हैं थोड़ी है। लेकिन देखा ग्वाल बाल बड़े थक जाते जाते भगवान ने कहा क्या तुम्हारे घर में घी नहीं है। थकावट उसी को होती है जिसके अंदर घी की कमी होती है। देसी घी खाना इतना जरूरी है हड्डियां कमजोर हो जाएं, समझना बात, हड्डियां कमजोर हो जाएं तो देसी घी खाइए, नहीं तो फिर डॉक्टरों को पैसे देते रहिए। घी बनता कहां से है? सूर्य से। सूर्य की किरणें जब पत्तों पर पड़ती हैं तो पत्ते चिकने होते हैं। उन चिकने पत्तों को गाय भैंस कोई भी खाए, जिनके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है उस गाय का घी पीला होता है, और जिनके अंदर वो दिव्य गुण नहीं होता उसका घी सफेद होता है, सोना पीला और चांदी। इतना ही फर्क है भैंस के घी में और गाय के घी। गाय का घी खा रहे हो तो सोना, और भैंस का घी खा रहे हो तो चांदी। बोलो हरे कृष्ण। खा लिया करो सोना चांदी घर में। बोलो हरे कृष्ण। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया क्या करें, सारा घी सारा मक्खन मथुरा चला जाता है भैया। अच्छा चिंता मत करो, करते हैं बाबा से बात। बाबा से बात की तो बाबा कहने लगे पुरानी परंपराएं नहीं टूटेगी। भगवान जी ने कहा चिंता मत करो, अब हम टैक्स बंद करवा देंगे। मथुरा को जो घी की मटकियां भर भर कर जाने लगी, भगवान जी रास्ते में घी दूध मक्खन लूटने लगे, ग्वाल बालों को खिलाने लगे। ग्वाल बाल कहने लगे मारे कन्हैया मजा आ गया घी खाने का, खूब बैठ के मारने लगे। और रेस तो लगती थी गऊओं के साथ, खूब दौड़ने लगे मारा। ओ हो बोलो कन्हैया लाल की, खूब भाग रहे हैं। ग्वाल बालों की सेहत बनने लगी। हे कथा प्रेमियों माताओं, ग्वाल बाल कहने लगे हमारे घर में भी माताएं मक्खन छिपा के रखती हैं। देखो भैया भगवान उसी के घर में आएंगे जिसके घर में गाय का मक्खन होगा। अब ना घर में गाय है ना घर में मक्खन है, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्या रखनी पड़ेगी घर में, किसका मक्खन चाहिए भगवान को, और कर क्या रहे हो। वो खास निगाहें होती हैं जिनको ये इशारे, इशारे समझ लेना भगवान कब घर में आते हैं, जब घर में क्या है। हाजी हाजी मक्खन बोलो कन्हैया लाल, बोलो हरे कृष्ण। एक दिन का दृश्य था हमारा, भगवान जी मिट्टी में खेल रहे थे। माँ यशोदा ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ कर गया। रसखान जी लिखते हैं जब भगवान धूल में भरे थे और भगवान के सिर पर सुंदर चोटी बनी थी, अंगना में खेल रहे थे, भगवान के पांव में पायल बज रही है। छोटे छोटे बच्चों के पांव में पायल डालते हैं, मेरे तो 8 सालों तक पायल रहे घुंघरू, हमारे को तो पाला ही ऐसे घर वाले। और मैं 10वीं में भी हो गया तब भी माता जी मेरे काजल लगाती थी, 10वीं में भी मैं कैसा मेरे को काजलू काजलू बोलते हैं, वो मानती नहीं थी। अब अपना बच्चा तो कैसा भी हो अच्छा ही लगता है। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान जी खेल रहे थे, आनंद प्रेम में भरे हुए थे प्रभु। हाथ में भगवान के मक्खन और रोटी थी। उसी समय का कौवा आया और कौवा भगवान के हाथों से मक्खन और रोटी को ले गया। रसखान जी लिखते हैं
धूली भरे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सुर सुंदर छोटी खेलत खात फिरे अंगन भग पैजन बाजत पीर छोटी कोरस खान विलोक द्वार काम कलानी थी खोती भाग के भाग कहाँ कही हरी हाथ सो ले गयो भाग के भाग कहाँ कही हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी भाग के भाग कहाँ गए हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी भाग के भाग कहाँ गए भाग के भाग कहाँ गए हरे हाथ से ले गयो वा छवि को रसखान विलोक रसखान जी ने उस छवि को देखा और कहने लगे अरे वो कौए क्या तेरा भाग है भाई क्या तेरी किस्मत है भगवान के हाथों से रोटी ले गया मक्खन ले गया तेरा जीवन धन्य हो गया मुलुक नहीं आला ये मक्खन कौन सा मक्खन चुराते हैं भगवान चित रूपी मक्खन मन रूपी माखन याद रखना माखन लीला से एक शिक्षा मिलती है घर में गाय का दूध हो गौ का मक्खन हो और मन बड़ा साफ हो फिर भगवान खिड़की से आ जाते हैं दरवाजे से आ जाते हैं हजारों ऋषि मुनि आराधना करते कन्हैया आ जा रे कन्हैया आ जा रे अरे मिल जा भगवान आते नहीं गोपियां कहती हैं निकल जा दफा 457 लगवा दूंगी निकल जा नंद की कचहरी में पेश कर दूंगी निकल जा खबरदार चोरी करने आया लेकिन भगवान कभी दरवाजा तोड़ के कभी खिड़की तोड़ के कभी शीशे तोड़ के और कभी किसी को बांध करके आ गया क्यों आते एक दिन गोपियों ने भगवान को घेर लिया क्यों रे कन्हैया इतनी बेइज्जती करते हैं तेरी फिर भी भागा भागा पीछे पीछे रहते क्या बात भगवान जी ने कहा था क्योंकि तुम गोपी हो क्या हो क्या हो अभी गोपी क्या है क्या है गोपी गौ पी जो गौ का पीती है दूध वो गोपी है जो गाय का खाती है मक्खन वो गोपी है जो गाय की सेवा करती है वो गोपी है सीधा सीधा अर्थ है गोपी लेकिन अब हमारे घर में भैंस भी बकरी भी थैली का दूध भी भगवान कहां से आएंगे जी घर में क्या रखनी पड़ेगी किसका दूध पीना पड़ेगा गो पी अब याद रखना इसलिए मामला गड़बड़ हो गया भगवान कह रहे हैं तुम गोपी हो अरे गोपियों के हाथ में गोबर लगा होता गोबर उसी गोबर को भगवान के चेहरे पर मल देती है यूं लेकिन भगवान कह रहे सुन सुन मक्खन गिला दे ना मक्खन गोपियां कहने लगी एक दिन इकट्ठी हो गई कन्हैया को लस्सी पीने की बड़ी आ गई छाछ पीनी है मुझे गौ माता की और जो हमारे घर में लस्सी बनती है ना गाय की
सारा गांव इधर उधर के लोग सुबह ही आ जाते हैं अरे गाय की लस्सी दे। कई लोग तो ऐसे भी बीच में तैयार हो गए जी पैसे ले लो पर हमें दे। मैं कह भाई हम तो लस्सी सेवा में देते हैं तुम ऐसे की बात नहीं जो पहले आ जाएगा सो ले जाए सुबह ही आ जाते हैं लोग। कईयों को हम कहते हैं अगर लस्सी चाहिए तो जल्दी आ गए तो गाय की सेवा ही कर ले गौ माता को थोड़ा गर्म पानी से नहलाई दे। हमारा ध्यान से सुनना गोपियां इकट्ठी हो गई सभा बैठ गए गोपियों सुनने के नहीं लस्सी चाहिए कि हाँ थोड़ा नाच के दिखा भगवान जी ऐसे पाओ में पायल बांध के घुंघरू बांध करके हाथों में कंगनों में घुंघरू बांध करके और तरागी अब तो तरागी का रिवाज चला गया पहले माताएं डालती थी ना बच्चों के रिठा डाल करके उसमें भी घुंघरू लगे होते तरागी उसमें भी घुंघरू लगे हुए थे। अरे जरा नाच के दिखा रसखान जी लिखते हैं हमारा लिखने लगे रसखान जी क्या सुंदर लिखा मारा शेष महेश गणेश दिनेश श्री सह जाहि निरंतर गावे निरंतर गावे निरंतर गावे निरंतर गावे अच्छेद अभेद सुभेद बतावे सुभेद बतावे सुभेद बतावे सुभेद बतावे सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे रवि हार तौ मुनि पार न पावे हार न पावे हार न पावे आहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ गणेश सुरेश जाहि निरंतर जावे निरंतर जावे निरंतर जावे आहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचन जावे नाचन जावे नाचन जावे नाचन जावे नाचन जावे। क्या लिखते हैं कभी महेश बोलते जाओ महेश शिवजी महेश गणेश गणेश दिनेश सूरज सुरेश तबला वादक सुरेश ब्रह्मा जिन्हें निरंतर गाते रहते हैं और जिसे अखंड अनादि अनंत बताते हैं वेद वेद की महिमा गाते हैं नारद सुखदेव व्यास रटे अरे जिनका नाम नारद रट रट करके थक गए जुबान हार गई सुखदेव जी महिमा गाते गाते थक गए व्यास जी लिखते लिखते बुढ़े हो गए फिर भी पार ना पावे। अब गाना मेरे साथ ताहि अहिर की छोहरिया सारे गारे गारे अहिरे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचन जावे छछिया भरी छाछ पे नाचन जावे इसका अर्थ हुआ कि उसी भगवान को जिसका ध्यान सुखदेव जी भी करते करते थक गए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश आदि गा गा करके थक गए उसी परमात्मा को गोपियां किसके ऊपर नचाती हैं किसकी लस्सी दर यहीं से शिक्षा ले लो
चौंतरा घर में क्या होनी चाहिए? अरे बोल दिया सर, घर में क्या नहीं? जब से निकली गाय तब से होने लगी हाय हाय, मैं मर गई हाय हाय। बोलो किस मैया लाल की। अरे मेरी मत मानो, संतों की मान लो। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे, छछिया भरी छाछ पे। तो कन्हैया नाचते हैं, ठुमक ठुमक कर नाचते हैं, फिर जाकर के गोपियां कई लस्सी पिलाती। लो जी हरी कथा समझ। इसलिए भैया मान लो मेरी बात, गुरु हरे कृष्ण। और जब कन्हैया के दर्शन नहीं होते हैं, गोपियां उदास हो जाती हैं। अब समझना गोपी क्या है, समझाने जा रहा हूं। जिनकी आंखों को भगवान के सिवा कुछ ना देखे उनकी आंख गोपी है, जिनके कान भगवान के सिवा कुछ ना सुने उनके कान गोपी हैं, जिनकी नासिका केवल भगवान को जो फूल दिया गया या भगवान के शरीर की जो खुशबू है उसे सूंघती है उसकी नाक गोपी है, और जिसके होंठ भगवान के नाम पर हिलते हैं उसके होंठ गोपी है, जिसकी जीभा भगवान के नाम का गुणगान गाती है उसकी जीभा भी गोपी है, जिसके हाथ भगवान के नाम पर उठ जाते हैं उसके हाथ भी, जिसके पांव भगवान के नाम पर थिरकते हैं नाचने लग जाते हैं उसके पैर भी गोपी है। तो यहाँ दो तीन गोपियां तो है अपने पास, इनको मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ही चलो। पर अभी घर में थोड़ा प्यार है, मैं देख लेना मौका है। हम 12 महीने पूरे 365 दिन बिजी रहते हैं, रोज भगवान के ही गीत गाते हैं, गुरु हरे कृष्ण। अरे गा दो भैया, अरे बोल दो जरा, कृष्ण कन्हैया लाल की। वो मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, गलियों में भाई 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 गलियों में, मुझे मिला नाक कहीं पर एक न माने, नाक कहीं पर एक न माने, हरे ने नाक हो मोहे पानी, हरे ने नाक हो मोहे दानी, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ली, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ली, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ली, सड़क मेरी बाह पकड़ ले, मुझसे बोला बन मेरी सजनी, 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 तो हो गई हो गई हो गई सर मोशा ब्रज की गलियों में, तो हो गई सर मोशा ब्रज की गलियों में, मुझे मिला नो पाया ब्रज की गलियों में, मुझे मिला नो पाया ब्रज की गलियों में। श्याम
सुंदर है बड़ा मनमोहना, श्याम सुंदर है बड़ा मनमोहना, वृंदावन में देखा सोना, वृंदावन में देखा सोना, क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी, क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी, बीच सड़क मोरी बाह पकड़ ले, बीच सड़क मोरी बाह पकड़ ले, क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी, क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ले, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ले, तो लुट गई गई बीच बाजार, सज के गलियों में मैं तो लुट गई बीच बाजार, ब्रज की गलियों में मैं तो लुट गई बीच बाजार, ब्रज की गलियों में मैं तो लुट गई बीच बाजार, ब्रज की गलियों में मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मुझे मिला गलियों में भाई, गलियों बीच सड़क मेरी बाह पकड़, क्या कहूँ पे क्या क्या गुजरी, बीज सड़क मेरी बाह पकड़ ले, मैं तो हो गई शर्मोसा, सज की गलियों मुझे मिला नौखाया, सज की गलियों प्यार ब्रज की गलियों में जाया है, जाकर के थोड़ी देर नाचना, थोड़ी देर झूमना, गाना, बोलो कन्हैया लाल।